हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है जादुई बच्चा। किसी गांव में कैलाश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर कुछ समय बाद सुमन और कैलाश के घर एक बच्चे का जन्म होता है। मेरा प्यारा बेटा, हम इसका नाम अभिनव रखेंगे। बेटे के जन्म की खुशी में कैलाश गांव में बांटने के लिए मिठाई खरीद कर लाता है, लेकिन जैसे ही वो डिब्बे को अभिनव के बाएं हाथ से छुआता है तो अचानक डिब्बे एक से दो हो जाते हैं। ये देखकर सुमन और कैलाश हैरान हो जाते हैं। हैं? अभिनव के हाथ लगते ही मिठाई का डब्बा एक से दो हो गए? यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। क्या आप एक बार फिर डब्बे को अभिनव के हाथ से छुआएंगे? सुमन के ऐसा कहने पर कैलाश एक बार फिर मिठाई के डिब्बे को अभिनव के हाथ से छूता है, लेकिन इस बार वो उसके बाएं हाथ की बजाय दाएं हाथ से छूता है, जिसकी वजह से डब्बे पर कोई असर नहीं होता। इस पर वो दोनों अचंभे से एक दूसरे को देखते हैं। तभी अचानक अभिनव का बाया हाथ डब्बे पर लगता है और एक बार फिर वो एक से दो हो जाते हैं। लगता है हमारे अभिनव के बाएं हाथ में जादू है। ये जिस भी चीज को अपने बाएं हाथ से छुएगा वो दुगनी हो जाएगी। ये सब भगवान की देन है, लेकिन अगर ये बात लोगों को पता चली तो लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए हमें इस बात को सभी से छुपा कर रखना होगा। इस पर कैलाश कुछ देर सोच कर बोलता है, ऐसा करते हैं, हम इसका बाया हाथ बंद करके उस पर पट्टी बांध देते हैं, जिससे जब भी ये किसी चीज को छुए तो वो दुगनी ना हो। सुमन को ये तरकीब सही लगी। उसने जल्दी से अभिनव के बाएं हाथ पर पट्टी बांध दी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और वो तीनों शांति से अपना जीवन बिताने लगते हैं। देखते ही देखते अभिनव 8 साल का हो जाता है। उसके मम्मी पापा ने उसे उसके जादुई हाथ के बारे में बता दिया था और ये भी कहा था कि वो ये बात किसी को ना बताए। मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा। एक दिन अभिनव अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, तभी उसके हाथ की पट्टी पास खड़ी बैलगाड़ी की कील में फंसकर फट जाती है और उसका हाथ बैलगाड़ी में लग जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब ये बैलगाड़ी एक से दो हो जाएंगी और सभी को मेरा राज पता चल जाएगा। अभिनव ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो बैलगाड़ी एक से दो हो जाती है। ये देखकर सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं। अभिनव का हाथ लगते ही ये बैलगाड़ी दो कैसे हो गई? अभिनव, क्या तुम्हें जादू आता है? हमें भी सिखाओ कि तुमने ये कैसे किया। अभिनव को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। भागता हुआ वो अपने घर पहुँचता है और अपने मम्मी पापा को सारी बात बताता है, लेकिन इससे पहले वो लोग इस बात का कोई समाधान निकाल पाते, अभिनव के जादू वाली बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और फैलते फैलते राजा के कानों तक पहुंच जाती है। ये सुनकर राजा के मन में लालच आ जाता है। मंत्री, जल्दी जाओ और पता लगाओ इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है, और अगर ये बात सच है तो उस जादुई बच्चे को जल्दी से मेरे सामने लाओ। राजा के ऐसा कहते ही मंत्री वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद राजा मन में सोचता है, अगर इस बच्चे में सच में कोई जादू है तो इसकी मदद से मैं थोड़े ही समय में सबसे अमीर और ताकतवर राजा बन जाऊंगा। मंत्री जल्द ही कुछ सैनिकों के साथ कैलाश के घर पहुंचता है और अभिनव को उसके मम्मी पापा से अलग कर उसे जबरदस्ती महल ले जाता है। उनके पीछे पीछे अभिनव के मम्मी पापा भी महल में पहुंच जाते हैं। महाराज, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, बस आप हमारे बेटे को छोड़ दीजिए। जादू तुम दोनों में नहीं, तुम्हारे बेटे में है, इसलिए तुम दोनों अपने घर जा सकते हो।
तुम्हारा बेटा आज से मेरी कैद में ही रहेगा, और अगर तुम दोनों अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं सैनिकों से कहकर तुम दोनों के साथ साथ तुम्हारे बेटे को भी मरवा दूंगा। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। हम अभी यहाँ से चले जाते हैं, पर आप हमारे बेटे को कुछ मत कीजिए। ये कहकर सुमन और कैलाश रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। राजा अभिनव को अपने हथियारों वाले गोदाम में ले जाता है। सुनो जादुई बच्चे, अब कुछ दिन तुम यहीं रहोगे और अपने जादू से मेरे हथियारों को दोगुना करोगे। ये कहकर राजा वहाँ से चला जाता है। अभिनव दुखी मन से राजा का कहा काम करने लगता है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अब अभिनव को अपने जादू से नफरत होने लगती है। ये जादू तो बहुत बुरा होता है। इस जादू ने मुझे मेरे परिवार से अलग कर मुझे इस लालची राजा का बंदी बना दिया। हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और राजा गोदाम के अंदर आता है। इतने सारे हथियारों को देखकर उसे बहुत खुशी होती है। इस दुनिया पर राज करने के लिए मेरे पास बहुत सारे हथियार जमा हो गए हैं। अब मुझे बहुत सारा खजाना चाहिए, इसलिए जादुई बच्चे आज से तुम मेरे खजाने को दोगुना करोगे। राजा के ऐसा कहने पर सैनिक अभिनव को खजाने में ले जाते हैं और उसे कमरे में बंद कर वहाँ से चले जाते हैं। अब अभिनव अपने जादू से राजा का खजाना दोगुना करने लगता है। जैसे इस लालची राजा का खजाना दोगुना हो रहा है, भगवान करे इस खजाने के लिए लड़ाई करने वाले भी दोगुना हो जाएं। जैसे ही ये बात अभिनव के मुंह से निकलती है, वो सोच में पड़ जाता है। तभी अचानक से उसे एक तरकीब सूझती है और वो जल्दी जल्दी खजाना दोगुना करने लगता है। शाम होते ही हमेशा की तरह राजा अपना खजाना देखने आता है। तभी अभिनव बहुत चालाकी से राजा को अपने बाएं हाथ से छू लेता है। ये तुमने क्या किया? ये मैंने ये किया। ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन अभिनव नहीं रुकता और वो एक के बाद एक सभी राजाओं को छूने लगता है। देखते ही देखते वहाँ राजा के बहुत सारे हमशक्ल इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद अभिनव सभी राजाओं से पूछता है, ये इतना सारा खजाना आप सभी में से किस राजा का है? इस पर सभी राजा बोलने लगते हैं, ये खजाना मेरा है। नहीं, सारा खजाना मेरा है। असली राजा मैं हूँ, इसलिए इस खजाने पर सिर्फ मेरा अधिकार है। ये कहकर राजा अपनी तलवार निकाल लेता है। उसके तलवार निकालते ही सभी हमशक्ल राजा भी तलवार निकाल लेते हैं और सभी राजाओं के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच मौका देखकर अभिनव वहां से भाग जाता है। बहुत घमासान लड़ाई चलती है और सभी राजा खजाने की लालच में एक दूसरे को मार देते हैं। दूसरी तरफ अभिनव अपने मम्मी पापा के पास पहुँचता है। उसे देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो तीनों उस राज्य को छोड़ किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं और खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम समझदारी से काम करें तो मुश्किल से मुश्किल परेशानी से बचकर निकल सकते हैं।